लॉजिक गेट्स वो बात सुनो, ऑसिलेटर था एक क्वेश्चन जो हमने मैंने कल वो सेंड किया था, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ करा रहा हूँ, वो मैं वीडियो भी सेंड कर सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन जो आएगा पेपर में वो तो आपको आना चाहिए सर। ये तो पेपर में आना ही आना है इसमें से कुछ लॉजिक गेट्स में, और ये सीखना है, ये आप लोग वीडियो से कम सीखोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये करवाना ही करवाना लॉजिक गेट्स। इसके भी शीट दूंगा मैं अलग से। तो लॉजिक गेट्स जो है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से सीखना है, और कम से कम 3 नंबर आएंगे इसमें, और ये कभी आप लोगों से गलत हो भी नहीं सकता। ये क्वेश्चन ना याद करने की इनको ज्यादा जरूरत है, ना आप लोगों को गलत हो सकते हैं पेपर में, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को छोड़ना भी कभी नहीं चाहिए। इधर सुनो, ओ चुप करके बैठो। अब है लॉजिक गेट्स, चुप करके सुनो, इधर देख लीजिए। लॉजिक गेट्स को समझने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, ये वाली जो सिग्नल थी जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। ए सिग्नल विच चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। इसको बोलते थे जो अल्टरनेटिंग करंट में हमने पूरा, लेकिन एक सिग्नल ये होती है ऐसे, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। क्या बोलते हैं इस सिग्नल को? क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल सिग्नल में सिर्फ दो चीजें होती है, ये टाइम के साथ चेंज ऐसे नहीं होती है जैसे ये होती है, इसमें सिर्फ दो चीजें होती है। ये वाला जो चीज है ये, इसको बोलते हैं लो। क्या बोलते हैं? लो। इसको बोलते हैं हाई। फिर से क्या आएगा? फिर इसको बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो। इसको बोलते हैं वन। क्या बोलते हैं? इसको फिर से जीरो। ये और ऐसे। इसको बोलते हैं ऑफ। क्या बोलते हैं? ऑफ। इसको क्या बोलेंगे? इसको off. इसको ऑन। शाबाश, याद रखा। इसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ये कम्युनिकेशन में भी मैं फिर से रिपीट करूंगा, मुझे इतना जरूरत नहीं है यहाँ पर, मुझे सिर्फ आप लोगों को यहाँ बताना है और इनको डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है, बाइनरी नंबर सिस्टम टाइम नहीं है हमारे पास, वरना मैं आप लोगों को ये सिस्टम कन्वर्शन सब दिखाता, लेकिन ये कंप्यूटर में होता है, यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ए नंबर सिस्टम whose base is and the allowed digits are only 0 and 1। इसमें सिर्फ दो डिजिट होते हैं, कौन? 0 और 1। अगर हमें कुछ भी लिखना है, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज हम लिखते हैं ए, उस पर हमने लिखा एप्पल। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं जानता है, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करता है किसमें? जीरोज और वन्स में। जीरोज और वन्स में। जीरो रोज किस? जीरो और वन्स में। जैसे अगर मुझे लिखना है, इधर देखो, मुझे लिखना है वहां पर 15, लेकिन 15 जो है इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? दो नंबर सिस्टम होते हैं, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है डेसिमल। और भी दो नंबर सिस्टम है,
लेकिन हमें चाहिए दो। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें बेस होती है टू, अलाउड नंबर होते हैं जीरो और वन। डेसिमल नंबर सिस्टम में अलाउड नंबर होते हैं जीरो टू नाइन, हो गए दस डिजिट, कितने डिजिट, और बेस होती है इसकी टेन। बेस क्या होती है, ए नंबर सिस्टम विच हैज बेस टेन एंड द अलाउड डिजिट्स आर जीरो टू इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, एंड नंबर सिस्टम विच हैज बेस टू एंड द अलाउड डिजिट्स आर उसको क्या बोलेंगे। मैं फटाफट दिखाऊंगा आप लोगों को कन्वर्शन कैसे, क्योंकि हमें जाना है लॉजिक स्टेट्स पर, लॉजिक गेट्स पर। लेकिन ये अगर सीखना चाहते हो तो सीख लीजिए, जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन मैं एक बार सिखाता हूं। जरा मुझे बताओ फटाफट, बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम होता है नंबर सिस्टम विच है एंड अलाउड डिजिट इज आर। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जीरो टू। आप देखो, अगर मैंने आप लोगों को बताया ये है 42, ये कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम से मैं आपको बता रहा हूं बाइनरी नंबर सिस्टम में जाइए। किसमें, किस कहां से कहां, इधर देखो आप लोग, डेसिमल नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करना है किसमें, देखो कैसे करोगे करना है, अच्छी तरह समझना। 42 को ऐसे रखना और इस तरीके से चलते जाना, जैसे एलसीएम और एचसीएम निकालते हो, 2 से डिवाइड करते रहना, किससे, 2 बोलो 21 फुल हुआ नहीं, पूरा इसका डिवीजन हुआ कि नहीं, पूरा डिवीजन, रिमाइंडर कितना, शाबाश, 2 10s are 20, क्योंकि बराबर नहीं हो रहा, रिमाइंडर 1 यहां लिखा, शाबाश बेटा, 2 5s are बराबर हुआ क्या, कंप्लीट हुआ डिवीजन कि नहीं, क्या यहां पर क्या लिखना, 0 0 0, शाबाश बेटा, 2 2s are बराबर हुआ कि नहीं, 1 यहां, शाबाश, 0 और 1 बन रहे, शाबाश, 2 1s are बराबर हुआ कि नहीं, इस 1 को यहां पर लिखना है, ठीक है, इस 1 को यहां, ये जो यहां पर है इसको बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट, और इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, इट इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इट इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इट इज कॉल्ड। आप देख लीजिए किसका मैंने कन्वर्शन बताया था बेटा आप लोगों को करने के लिए, डेसिमल से बाइनरी में। देखो कैसे, पहले यहां से शुरू करना, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आ गया बाइनरी में, कन्वर्शन हो गया बाइनरी में। अगर कंप्यूटर पर आप लोगों ने लिखा 42, कंप्यूटर ने खुद बना दिया उसको क्या, 1 0 1 0 1 0, अंदर मशीन लैंग्वेज, इसका मतलब हो गया डेसिमल से आप लोग किस में गए, बाइनरी में। अब आप लोग बोलते हो सर हमें क्या पता ये ठीक है कि गलत है, ये क्या वाकई 42 है, आप लोग बोलते हैं नहीं सर ये तो हम, मैं नहीं मानूंगा 42 है, इसका भी इलाज है। अब इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा किस में, डेसिमल में, अगर 42 इसका आंसर आया तो चेक भी हुआ, समझाया कि नहीं। पहले मुझे बताओ आप लोग कर पाओगे इस तरीके से, नहीं, अगर एक आप लोगों को समझ नहीं आया मैं आप लोगों को दूसरा दिखाता हूं, 27 को करो, शाबाश फटाफट, 27 डेसिमल से बाइनरी में जाओ, सिर्फ 2 से डिवाइड करना, 2 13 साल क्या आया, 1, शाबाश, 2 6 साल क्या आया, 2 3 साल, शाबाश, 2 1 साल, ये 1 यहां पर लिखना है, इसको क्या बोलेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको कहां से कहां लिखना होता है,
नीचे से ऊपर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिखना है ऊपर, अगर ऊपर से नीचे लिखा तो गलत। शाबाश बेटा, 27 बेस क्या थी 10, बाइनरी में जाना है। कैसे लिखेंगे बोलो बोलो शाबाश, 1101 बेस कन्वर्शन, दोनों में चेक दिखाऊंगा मैं क्या वाकई ठीक है कि गलत है। ठीक है, अभी कन्वर्शन करके मैं चेक करा रहा हूं, इसका मतलब वाकई है, इसका मतलब हमें अब जाना है डेसिमल से बाइनरी में। हाँ, बाइनरी से इधर देखो आंसर क्या बनना चाहिए, हाँ 42। बात सुनिए अच्छी तरीके से, समझ लीजिए कहां से कहां जाना है हमें, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, इधर देखो कैसे शुरू करना है, इधर सारे देखो, ये यहां पर लिख रहा है यहां से जैसे काउंटिंग में करते हो आप वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन वन स्टैंडर्ड नहीं करते हो, ये यहां से शुरू करना है, इस पर लिखना है जीरो, क्या लिखना है जीरो, इस पर 1 2 3 4 5। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी ये जरूरत पड़ेगा कन्वर्शन, 0 1 2 3 4 5 आएगा ऐसा करना। आप देखो क्या करना है, 1 into 1 2 raise power 5 क्या करना है पहले, प्लस 0 into 2 raise power 4 प्लस शाबाश क्या करेंगे अब, 1 into 2 raise power 3 फिर 0 into 2 raise power 2 plus 1 into 2 raise power 1 into नहीं प्लस प्लस 0 into 2 raise power 0। यहां तक समझ आया, लिखना आएगा, अभी लिखाऊंगा आप लोगों से ही उस पर। अब जैसे करते आ रहे हो, 2 5 32 मल्टीप्लाई 1 32 प्लस 8 multiply 0 is 0 2 into 2 into 2 8 प्लस 0 प्लस 2 anything raised power 0 is 0 anything raised power 0 is 1 1 multiply 0 is 0 it is 0। अच्छा मुझे बताओ 32 8 और 2 आपका आंसर ठीक था कि गलत था, ठीक था। 42 डेसिमल से किस में गए, बाइनरी से किस में गए, कन्वर्शन बराबर आया कि नहीं। अब जरा मुझे बताओ 27 का बाइनरी नंबर क्या है, राहुल 27 का बाइनरी नंबर क्या है बोलो, 1 1 फिर 0 1 1 ये बाइनरी नंबर है इसका, इसको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। शाबाश बेटा, कैसे लिखोगे वो, कैसे लिखोगे ऊपर 1 1 0 1 1 यहां पर क्या लिखेंगे, यहां यहां यहां। शाबाश बेटा, कैसे करेंगे, 1 into 2 raise power 4 शाबाश बेटा, 1 into 2 raise power 3 प्लस 0 into 2 raise power 2 प्लस 1 into 2 raise power 1 ठीक है, प्लस 1 into 2 raise power 0 ठीक है, बराबर है ठीक है। शाबाश बेटा, 2 raise power 4 16, 2 raise power 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 anything raise power 0 is 1 1 into 1 is 1 शाबाश, कितना हुआ 27 आ गया, कन्वर्शन आया। मुझे बताओ एक चीज, तुम लोगों को आएगा कन्वर्शन करना अब डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से तुम लोगों को सिर्फ मैं रफर करने को, यहां पर आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, मुझे आप लोग बता सकते हो या ग्रुप में वो आंसर डाल देना। क्वेश्चन है इधर देख लीजिए, 127 डेसिमल से जाना है किस में, बाइनरी में, इधर देख लो, मगर साथ में चेक भी करना है क्या आपका
आपका बाइनरी से किस में जाओगे? डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से किस में जाना है? आंसर क्या आना चाहिए? एक वही हुआ चक्का। अच्छा, एक ये पार्ट, दूसरा पार्ट आप लोग करोगे 57 बेस 10 किस में जाओगे, और तीसरा क्वेश्चन करोगे 10101001 बेस 2 से किस में जाना है, और किस में जाना है? बाइनरी से। अच्छा, और ये 10010011 इसको जाओगे डेसिमल, साथ में चेक भी करोगे डेसिमल से, चेक भी साथ में करोगे ठीक है कि नहीं। ये चार पार्ट रफ पर लिख लेना, रफ पर आएगा करना कि नहीं। Yes, sir.